वेलकम टू विल्सन एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 CBSE NCERT पैटर्न का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 है ये। आज हम उसी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 8 का हमने बहुत सारा पार्ट कंप्लीट किया है। टेबल बनाने की ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले कंसेप्ट और बहुत सारे फार्मूलास और आइडेंटिटीज़ हमने पिछले वीडियोस में कवर की है। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसी चैप्टर का दूसरा भी नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एक ही एक्सरसाइज है और आई थिंक ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन भाग। पूरा चैप्टर दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बाकी के जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे मैं क्वेश्चंस के दौरान जो है तो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन दो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैं आज आपको जो है तो वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम या कोई भी इंसान जब किसी चीज़ को देखता है तो जो है या तो वो प्रोडक्ट या जो चीज़ वो देख रहा है वो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है ना। जो भी चीज़ कोई भी एक ऑब्जेक्ट वो देख रहा है तो ये या तो वो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमारे बीच में एक एंगल तैयार होता है। तो इस एंगल को कंसिडर करने के लिए हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक हॉरिजेंटल लाइन जो कि एक इमेजिनरी लाइन कहलाती है। ये एक हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, हम इसको जो है तो कंसिडर करते हैं उस ऑब्जेक्ट के बीच में। ये जो है नीचे का ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से ही जो है पैरेलल होती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ग्राउंड लेवल से पैरेलल, जहाँ से हम जिस ऑब्जेक्ट को जहाँ से देख रहे हैं, मतलब ये आँखों से देखेगा है ना, इंसान जो है आँखों से देखते हैं, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन हम कंसिडर करते हैं और उसी के अकॉर्डेंस एंगल तैयार होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा तो इस तरफ हॉरिजेंटल और इस लाइन के बीच में एक एंगल तैयार होगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे तैयार हो गया है और ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है। सपोज़ पहले केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन जो कि ग्राउंड लेवल वाली लाइन से पैरेलल है, एक इमेजिनरी लाइन है, तो उसके अकॉर्डेंस एक एंगल तैयार होता है। जब भी हम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक एंगल तैयार होता है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हो, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हो तो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डेंस एक एंगल तैयार होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो बहुत ही आसान है आपको याद रखने के लिए, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार हो रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो रहा है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा तो इस ऑब्जेक्ट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में भी यहाँ पे एक एंगल बनेगा। और सपोज़ ये जो एंगल है, समझो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी जो है थीटा कहलाता है। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ वाला जो एंगल तैयार हो रहा है, ये वाला एंगल भी जो है इक्वल होता है इस वाले एंगल को। ये सिर्फ डिप्रेशन वाले केस में होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो ग्राउंड लेवल वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। तो आपको याद आ रहा होगा हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है पैरेलल और ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और बस यही दो चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको क्या क्या याद रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हो तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल तैयार होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे हो तो हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल तैयार हो रहा है उसे जो है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं।